तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, मजे में होंगे। सो फ्रेंड्स, आईपीएल 2024 का मैच नंबर 49 का जिस वीडियो में बात करेंगे कि कौन रहने वाला है इस मैच का टॉस प्लस मैच विनर, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, हेड टू हेड की बात करेंगे, ड्रीम इलेवन टीम भी आपको बताएंगे और देखेंगे प्लेइंग इलेवन भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैच नंबर 49 खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। ये मैच खेला जाएगा 1 मई को 7:30 PM से MH चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में। ये चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड पिच है। इस सीजन इस पिच पे टोटल 5 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 40% मैचेस को विन की है, तो वहीं फर्स्ट बॉलिंग करने वाली टीम 60% मैचेस को विन की है। यानी यहाँ जो टीम टॉस विन करेगी वो पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है, क्योंकि जो पिच है चेसबल पिच है, यहाँ रन जो भी होता है, स्कोर जो भी टारगेट होता है वो आराम से चेस जाता है। वहीं इस पिच का विकेट रिपोर्ट की बात करें पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के बीच में, तो पेसर्स को इस पिच पे 75% विकेट मिला है जबकि स्पिनर्स को इस पिच पे ओनली 25% ही विकेट मिल पाया है। तो आप अपने फैंटेसी टीम के लिए पेसर्स को जरूर पिकअप कीजिएगा। वहीं इस पिच का पिच रिपोर्ट देखें लास्ट 10 मैच के बेसिस पे, तो ओवरऑल बैटिंग फेवरेट पिच है, सुटेबल फॉर पेसर्स है। यानी जो पिच है बैट्समैन के लिए काफी बेहतरीन है, यहाँ अच्छा स्कोर गेन करने का मौका मिलता है। वहीं दूसरी तरफ पेसर्स के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा विकेट पेसर्स को मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने फैंटेसी टीम के लिए पेसर्स को जरूर पिकअप कर लीजिएगा। मैं लास्ट में अपना टीम भी बताता हूं कि किस प्लेयर को आपको अपने फैंटेसी टीम के लिए पिकअप कर लेना है जिससे आपका अच्छा रैंकिंग आ सके और आप हेड टू हेड में जीत सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हेड टू हेड ओवरऑल स्नैपशॉट की बात किया जाए तो इन दोनों टीमों के बीच में टोटल 29 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 मैचेस को विन किया है, तो पंजाब किंग्स ने 13 मैचेस को विन किया है। एक दूसरे के खिलाफ इनका एवरेज रन रेट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 166 रन बनाया है, तो वहीं पंजाब किंग्स ने 160.9 रन का एवरेज रखा है। वहीं मैक्सिमम रन रेट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 240 रन बनाया है, तो पंजाब किंग्स ने 231 रन बनाया है। वहीं मिनिमम रन रेट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 107 रन बनाया है, तो पंजाब किंग्स ने 92 रन बनाया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स काफी ज्यादा मजबूत टीम रही है। वहीं आप जान लेते हैं कि इस मैच का टॉस कॉल किस टीम का रहने वाला है, तो इस मैच का टॉस कॉल पंजाब किंग्स का रहने वाला है और मेरे तरफ से टॉस भी विन करेगा पंजाब किंग्स। अगर टॉस से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आता है या फिर विनर चेंज होता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टॉस के 1 या 1.5 घंटा पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉस मैच सेशन से जुड़ा हुआ सारा इंट्री अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट कर दिया जाता है। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहीं अब एक नजर इन दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन पे डाले तो आप यहाँ पे इन दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन टीम देख सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, अगर कोई चेंजेस आया तो टॉस के तुरंत बाद ही आपको हमारे ड्रीम इलेवन फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने फैंटेसी टीम के लिए या फिर ड्रीम इलेवन टीम के लिए किन प्लेयर्स को पिकअप कर लेना है जिससे आपका अच्छा रैंकिंग आ सके और आप हेड टू हेड में जीत सके। तो विकेट कीपर के लिए आपको प्रभा सिमरन सिंह को पिकअप कर लेना है, जोनी वरिष्ठो को पिकअप कर लेना है, ये आपको अच्छा खासा रन बना कर देंगे, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और विकेट कीपर भी बेहतरीन है। वहीं बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन में आपको ऋतुराज गायकवाड़ को पिकअप कर लेना है, शिवम दुबे को पिकअप कर लेना है और शशांक सिंह को पिकअप कर लेना है। ये तीनों ही बल्लेबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अपना दिखाया है। वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा को आपको पिकअप कर लेना है, सेम करण को पिकअप कर लेना है, ये आपको अच्छा खासा पॉइंट गेन करके देंगे, विकेट भी निकाल के ये आपको देंगे, ये दोनों ही प्लेयर। वहीं बात करते हैं अब बॉलर की, तो बॉलर में आपको तुषार देशपांडे को पिकअप कर लेना है, के रबाडा को पिकअप कर लेना है, एमपति राणा को पिकअप कर लेना है, हर्षद पटेल को पिकअप कर लेना है, ये आपको अच्छा खासा विकेट निकाल के देंगे, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं चारों बॉलर। तो ये रहा मेरा फैंटेसी टीम, इसमें आप कैप्टन सेम करण को बना सकते हैं, वॉइस कैप्टन शिवम दुबे को बना सकते हैं, ये आपको अच्छा खासा पॉइंट गेन करके देंगे। मैं अपना फाइनल टीम टेलीग्राम पे देता हूं टॉस के बाद, तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको फाइनल मैच विनर टीम यहीं पे दिया जाता है। टॉस होने के बाद आपको कब एंट्री लेना है, कब लॉस कट बुक सेट करना है, सारा एंट्री अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे करा दिया जाता है। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और जो लोग ड्रीम इलेवन टीम खेलते हैं या फिर फैंटेसी टीम खेलते हैं, सिंपली किसी भी मैच अपडेट के ऊपर आपको आ जाना है, वहां पर आपको फैन टीम लिखा हुआ मिलेगा, उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे उस लिंक को आप ओपन कीजिएगा आप हमारे ड्रीम इलेवन फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा,
आपको फाइनल टीम यहीं पे दिया जाता है कि किस प्लेयर को आपको अपने फैंटेसी टीम के लिए पिकअप कर लेना है, जिससे आपका अच्छा रैंकिंग आ सके और आप हेड टू हेड में जीत सके। और आपको यहाँ पे ओवर सेशन भी करा दिया जाता है कि कौन सा सेशन यस होगा कौन सा सेशन नो होगा। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तब तक मिलता है अगले मैच के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर साल और हमेशा ही सबसे फास्ट और फ्री में अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।